A warm welcome of you all in our history classes. Myself Antima Sodha and I am here to teach you the topic The Rise of Nationalism in Europe. Today's our topic is The Making of Germany and Italy and our subtopic is Germany. Can the army be the architect of a nation? तो हाँ ऐसा हुआ है और ऐसा जर्मनी के केस में हुआ है. जर्मनी में जो वहाँ की पर्शिया की जो आर्मी थी उन्होंने हेल्प की है यूनिफिकेशन में. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जर्मनी में जो मिडिल क्लास लोग थे उनमें नेशनलिज्म की भावना आई और उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको बाद में मोनार्की एंड मिलिट्री के कंबाइंड फोर्स से रिप्रेस कर दिया गया. और इसी रिप्रेशन के बाद में पर्शिया टुक द लीडरशिप दिस जर्मन यूनिफिकेशन. जो ओटो वन बिस्मार्क थे, ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर थे, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस नेशन एंड थ्री वार्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. 3 बार लड़े गए क्योंकि आर्मी का वर्क होता है, आर्मी का काम यही होता है कि वो युद्ध लड़े अलग अलग. उन्होंने वार लड़े 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ और उसके बाद पर्शिया की विक्ट्री हुई एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. इस प्रोसेस के बाद एक अनहीटेड हॉल एट वर्सली में वहाँ के आर्मी के जो हेड थे, अलग अलग जर्मन स्टेट के जो किंग थे, उन सब ने मिलकर काइजर विलियम फर्स्ट को 18 जनवरी 1871 में जर्मन एम्पायर घोषित कर दिया गया. और उसके बाद जो जर्मनी था उन्होंने अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि उनको अपोज ना हो, कोई उनके अपोजिशन में ना खड़ा हो जाए. जो मेन स्टेप था वो था मॉडर्नाइजिंग ऑफ करेंसी, मॉडर्नाइजिंग ऑफ बैंकिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. हर चीज़ को मॉडर्न कर दिया गया ताकि कोई उनके अपोज ना खड़ा हो जाए. और ये जो मॉडल था, ये का जो मॉडल था वो रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया. सो इन दिस वे वी विल से दैट यस, आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन एंड आर्मी की हेल्प से जर्मन में यूनिफिकेशन हुआ. थैंक यू.